आदरणीय श्रीमान विष्णु दत्त शर्मा जी अभी तक बड़ी कुशलता से जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष के दायित्व का निर्वाह किया, हम सबके अग्रज वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान गोपाल भार्गव जी, एक बार ताली बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। इसलिए सवा साल लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता के नाते, प्रतिपक्ष के नेता के नाते बहुत कर्मठता और कुशलता और विधानपन के साथ सदन में अपने दायित्व का निर्वाह किया। माननीय गोपाल जी हमारे मुख्य सचेतक, जो सरकार को भी हमारे साथ सचेत करते रहे और जिनकी बड़ी प्रमुख भूमिका रही है सरकार बदलने में भी, आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे संगठन के कुशल शिल्पी आदरणीय भाई साहब श्रीमान सुहास भगत जी, मेरे प्रिय विधायक बहनों और भाइयों, मेरे लिए आज बहुत भावुक पल है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कई वर्षों से काम करता रहा हूं और सचमुच ये इसी पार्टी में होता है कि बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के, बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के किसी साधारण कार्यकर्ता को एक बड़ा काम करने का अवसर दिया जाए। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के ऐसे नेता कि जिनके पीछे सारा हिंदुस्तान खड़ा है और कई मामलों में कोरोना संकट से निपटने में भी जिन्होंने दुनिया को दिशा दे दी, कल जनता कर्फ्यू अपने आप में एक अद्भुत प्रयास था। माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका आभार प्रकट करता हूं। हमारे गृह मंत्री, आधुनिक राजनीति के चाणक्य, जिन्होंने नया इतिहास रचा, अमित भाई शाह जी का आभार प्रकट करता हूं। और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, जो पार्टी के संगठन को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं, उनके सहित पूरे केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। मित्रों, में मंच पर बैठे हुए नेतृत्व का, हमारे प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान विनय सहस्रबुद्धे जी, अभी सारी कार्रवाइयां जिन्होंने संचालित की है, और उनके साथ साथ राष्ट्रीय महामंत्री पार्टी के आदरणीय अरुण सिंह जी सहित पूरे सभी केंद्रीय नेतृत्व का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, आज का समय बड़ा चुनौती पूर्ण समय है और आज जैसा कि आपको अध्यक्ष जी ने बताया, कोरोना एक ऐसी महामारी बनकर सामने आई है कि जिससे आज सारा जगत जूझ रहा है, और इसलिए आज इस बैठक की सूचना भी अचानक मिली, लेकिन इतनी अल्प सूचना पर आए मेरे प्रिय विधायक बहनों और भाइयों, पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और पार्टी का जनसामान्य कार्यकर्ता, जो हमारा सामान्य कार्यकर्ता है, उसके प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, मैं कहता रहा हूं
कि कई बार ऐसा अवसर आता है जब मां अपने बेटा या बेटी से कहती है कि मेरे दूध की लाज रखना। आज मेरे मन में भी अगर संकल्प है तो यही है कि राजनीतिक रूप से अपनी मां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते मां के दूध की लाज रखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जो दायित्व आप सबने मिलकर केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है उसका पूरी प्रमाणिकता के साथ निष्ठा और परिश्रम पूर्वक ईमानदारी से निर्वाह करने में आप सबके सहयोग से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, हम प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। हम जानते हैं मित्रों 15 महीने में जाने वाली सरकार सब कुछ तबाह करके गई है, बर्बाद करके गई है। जाते जाते और कैसे बर्बाद प्रदेश को कर सकते हैं, इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण है, लेकिन उसमें मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता। लेकिन विधायक मित्रों, हम जब बैठे थे सीहोर में भी मनेसर में भी, तब मैंने कहा था कि शासन करने की शैली में भी अब परिवर्तन किया जाएगा। आज मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, दोहराने का औचित्य भी नहीं। फैसले बोलेंगे, काम बोलेगा, हम सब मिलकर काम करेंगे। मंच पर बैठा हुआ नेतृत्व, संगठन के कार्यकर्ता और हम सब विधायक भाई और बहन मिलकर एक परिवार के सदस्य के नाते स्नेह से, प्रेम से, आत्मीयता के साथ काम करेंगे। सबको साथ लेके चलेंगे, मिलकर साथ चलेंगे। और जो तबाही और बर्बादी का आलम इस सरकार ने खड़ा किया था, पिछली सरकार ने, उसको बदल के फिर से प्रदेश को विकास की दिशा में अग्रसर करेंगे, जन कल्याण का नया इतिहास रचेंगे। लेकिन आज सबसे पहली चीज अगर हमारे सामने कोई है तो वह कोरोना का संकट। मैं आप सब मित्रों से, बहनों भाइयों से भी और आपके साथ साथ प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, हमारे साथियों से, प्रदेश की जनता से यह अपील करता हूं कि यह समय जश्न का नहीं है, यह उत्सव मनाने का समय नहीं है। परिस्थिति हमें इसकी इजाजत नहीं देती, ये तत्काल काम में जुटने का समय है। कोरोना के संकट को समाप्त करना है। ये कोई उत्सव ना मनाए, कोई फटाके ना फोड़े, कोई घरों से ना निकले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तड़फ दिखाई है, जो इच्छा शक्ति दिखाई है, जो भावना प्रकट की है, उन भावनाओं को अपने साथ जोड़ना है, अपने आप को बंधनों में बांधना है। कोरोना संकट का मुकाबला करने के लिए संपर्क की जो चैन है उसको तोड़ना है। इसलिए कोई उत्सव नहीं, कोई समारोह नहीं। शपथ ग्रहण भी समारोह नहीं होगा, केवल शपथ ग्रहण होगी और उसके बाद तत्काल में आज रात में ही बल्लभ भवन अपने कार्यालय बैठ जाऊंगा कोरोना संकट का मुकाबला करने के लिए। और आप सबसे भी मैं अपील करता हूं, आज हम यहां रुकेंगे, कल थोड़ी चर्चा करेंगे, इसके बाद अपने अपने क्षेत्र में जाके हम जनता को विचारों करने का प्रयास करेंगे। इस महामारी से जूझना है, निपटना है और इसको समाप्त करके ही चैन की सांस लेना है। इसमें और कोई प्रायोरिटी नहीं और इसलिए पूरी ताकत के साथ मिलकर हम इस महामारी से निपटेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए क्योंकि हम सब मिलकर काम करेंगे। मैंने पहले कहा, भाई बहन की तरह, परिवार की तरह इस बीमारी से भी लड़ेंगे, जूझेंगे और इसको समाप्त करेंगे और फिर प्रदेश में विकास का एक नया इतिहास रचेंगे। आपने जो विश्वास प्रकट किया है, पार्टी के नेतृत्व ने जो विश्वास प्रकट किया है, मैं आज केवल इतना वचन आपको देना चाहता हूं, जान भले चली जाए इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने दूंगा। यह अटल संकल्प है हमारा। आइए एक नई शुरुआत करें।
15 साल बेहतर शासन दिया है, अब और बेहतर, उसमें कहीं कमी रह गई हो, कसर रह गई हो, कोई चूक रह गई हो, तो वो कोई कसर कमी और चूक किसी भी कीमत पर आप नहीं रहने देंगे। और बेहतर, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के नंबर एक का राज्य बने इसके लिए प्रयास करेंगे। आपके स्नेह को, प्रेम को और पार्टी ने जो दायित्व दिया है, हर क्षण याद रखूंगा कि कार्यकर्ता के नाते इस कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास, खरा उतरना, उसका मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा। एक बार फिर मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं और प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबका भी आभारी हूं। आइए मिलकर साथ चलें एक नया इतिहास रचने के लिए, विकास का, नवनिर्माण का, जन कल्याण का और पार्टी के कार्य का विस्तार का। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।